हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक अनदर गेमिंग की वीडियो में। आज हम दोबारा से खेलने जा रहे हैं पोकेमॉन फायर एश और आज है सीजन नंबर 5। तो आज की वीडियो में हम जाने वाले हैं शिप में, और शिप में जाने के लिए आपको कुछ नहीं करना था, बस ब्रॉक को हरा देना था और आपको टिकट मिल जाएगा। और मैं सबसे पहले खरीद लेता हूँ यहाँ से हाइपर पोशन और रिवाइव, सुपर पोशन और रिवाइव खरीद लेता हूँ, जिससे हमारा फ़ायदा मिलेगा। जो जल्दी जल्दी खरीद लिए सारे पैसे मारे चले गए इसमें। और चलते हैं अभी हम शिप के अंदर, और पिछली बार हमने एलजी सर्ज को हरा दिया था और साइकिल भी हमने ले ली थी और थंडर बैज भी हमारे पास आ गया था। तो चलो शिप के अंदर चलते हैं। अरे यहाँ ब्रिज पे आते ही मेरा गेम अटकने लग जाता, पता नहीं क्यों, बट कोई नहीं, आगे की तरफ जाते जाते हमारा गेम ठीक हो जाएगा। और आज के सीपोर्ट में हम बटरफ्री को भी गुड बाय करने वाले हैं दो दो बार। एक बार हम करेंगे फेयरवेल में मतलब ट्रेड, और दूसरी बार हम करने वाले हैं अपने इनको क्या कहते हैं बाय बाय करेंगे, पता नहीं, रिलीज़ कर देंगे। तो चलो सबसे पहले अच्छा दद्दू हमसे बैटल कर रहे हैं, चलो हमने हरा दिया। और इसके अंदर क्या है, इसके अंदर दोस्तों आप हील करा सकते हो अपने पोकेमॉन्स को, तो मैं जल्दी जल्दी करा लेता हूँ दद्दू से हरा कर। और चलो अब देखता हूँ अगले घर में क्या है। और दोस्तों अगर बैटल होंगे तो मैं सबसे बाद में ही करूँगा बैटल, क्योंकि अभी मेरे को बैटल करने का शौक़ नहीं है, यहाँ पर बैटल होगा और कुछ है ही नहीं, तो मैं बाद में कर लूँगा, ट्रेन करना होगा अपने पोकेमॉन को। तो और देखता हूँ इसके अंदर क्या है, इसके अंदर दद्दू है और उसके अंदर देखते हैं जल्दी जल्दी, अरे गेम सेव मत हो, चलो देखते हैं इसके अंदर, इसके अंदर भी दद्दू बैठे हैं, तो कोई हमें काम नहीं है उनसे, तो हम नहीं बात करना चाहते उनसे। तो चलो यहाँ पर बैटल होगा तो मेरे को अभी नहीं करना, और जहाँ पोकेबॉल होगी तो मैं ले लूँगा, बट बैटल होगा मैं आज जगह पे हमें लेना नहीं, यहाँ भी बैटल है। तो दोस्तों अभी हम मैं कर देता हूँ उन सबको बैटल में चुनौती। और चलो दोस्तों मैंने इन सारे ट्रेनर्स को हरा दिया जो इन घर के अंदर से, और चलते हैं। मैं ऊपर की तरफ जा रहा था बट इस साइड देख लेता हूँ क्या है इस साइड। अच्छा ये हमें जाने देंगे अभी तक ले तो, क्योंकि टीम रॉकेट जब इसी पर कब्जा करेगी जब ही हमें ये जाने देंगे, वरना नहीं जाने देंगे। और यहाँ पर मेरे को पता है क्या होगा, यहाँ ये रेड टिकेट हमें देगा और हमारी बटरफ्री को ले लेगा, बट कोई नहीं हम दे देंगे, ऐश ने भी दिया था तो हमें भी देना ही पड़ेगा। और पिकाचू 19 लेवल का, इससे बड़ा कम है, देखते हैं इसको हमारे कितने पोकेमॉन मिलकर हरा पाते हैं। मेरे को लगता है सारे फेंटेड हो जाएंगे इसके सामने, क्योंकि मेरे लेवल बहुत कम है। और ये बटरफ्ली ने इसको हराया था, मेरी बटरफ्ली तो बहुत कमज़ोर है, इससे तो हार ही जाएगी बिल्कुल ही, स्लीप पाउडर लगेगा तो काम करेगा बट मेरा लगेगा ही नहीं, क्योंकि एक अटैक में ख़त्म कर दो अटैक में सॉरी ख़त्म कर दिया। और अब मैं भेजता हूँ 4 मिलियन को, 4 मिलियन तो ड्रैगन रेज कर ख़त्म कर देगा, या मेरे को नहीं लग रहा क्योंकि जंप किक मार रहा है और क्रिटिकल लग गया, तो इससे ही मेरा 4 मिलियन फिनिश हो चुका है। और दोस्तों मैंने इसको हरा दिया कैसे भी कर मेरे इतने सारे फेंटेड हो गए, मैंने बटरफ्री को कर दिया ट्रेड, तो मेरे को बड़ी दुख और खुशी दोनों हो रहा था। देख लो दोस्तों फेयरवेल लिखा आया था जिसलिए मैंने आपको बोला था। और हमारी टीम में अब रेड टिकेट आ चुका है जो 16 लेवल का ही आएगा, बट उसके पास 23 लेवल का था, जितने का हमें मिलेगा उतने का उसी मिलेगा, फ़ायदा तो दोनों का ही होगा। तो चलो अब आगे की तरफ चलते हैं। और अब मेरे को पता है किधर जाना है, आपको शिप के सबसे नीचे, अरे यार पहले मैं हील करा लेता हूँ जल्दी जल्दी, फिर आपको जाना है टीम रॉकेट को हराने के लिए, और यही आपका शिप में मिशन, ये मिशन करने के बाद ही आप शिप से निकल सकते हो, वरना नहीं निकल सकते। तो चलो इसके अंदर चलते जल्दी जल्दी, और इसके अंदर ये तो अभी हमसे बैटल करेंगे नहीं। अब हम इस घर में आते हैं, ये आगे टीम रॉकेट जैसी जेम्स और मियाउ, और ये इस सड़ा हुआ डायलॉग बोल रहे थे, तो हम जल्दी से जल्दी इन्हें हरा देते हैं। एकेंस आए तो एकेंस तो पिकाचू इसे चुटकियों में हरा देगा ठंड बोल से, और एक और ठंडा बोल से फिनिश है, दोनों पोकेमॉन इसके तो हार ही जाएंगे, दो है पता नहीं आपकी बार। हाँ इस एसीपोर्ट में शायद इसने जेम्स ने गोल्डन मैजिक का पकड़ी थी, तो मेरे को लगता है गोल्डन तो नहीं होगी, सिंपल मिल जाएगी, बट कोई नहीं हमें मैजिक का आपको हराने में ज़्यादा देर लगने नहीं वाली। चलो कॉफिन्स को भी हरा देते हैं जल्दी, स्लेज इस्तेमाल कर रहे हैं बट स्लेज हम पे इफेक्टिव नहीं है, एक और अटैक से ही ख़त्म हो जाना चाहिए, और ये हो गया। और अब आएगी इसकी मैजिक अप, जैसा मेरे को लगा था मैजिक अप, और ये गोल्डन नहीं है, 15 लेवल की, एक अटैक में फिनिश हो जाएगी क्योंकि इसका कुछ डिफेंस है ना ही अटैक,
तो वो इसी बोर्ड में शायद इसके एस के सारे पोकेमॉन जीत गए थे इससे तो। हाँ चलो अब चलते हैं नीचे की तरफ, और अब मेरे हिसाब से टीम रॉकेट आ चुके हैं, और दोस्तों मैं जल्दी जल्दी इन्हें सबको हरा दिया, और चलते हैं अब ऊपर की तरफ। और ऊपर भी यहाँ भी बहुत सारे टीम हैं, बट मेरे को सबसे पहले अपने पोकेमॉन हील कराने थे, तो जल्दी से इन आग पर पोकेमॉन हील करा लेते हैं। और यहाँ पर बैड है तो जल्दी से टैप करते हैं, और मेरे पोकेमॉन हो गए हील फुल्ली। अरे मैं वापस क्यों दबा रहा हूँ, चलो मेरे पोकेमॉन हो गए फुल्ली हील। और अब हम करेंगे इन टीम रॉकेट के मेंबर से बैटल, और दोस्तों मैंने सबको हरा हरा कर यहाँ पर आ गया, और मेरे को अभी चाहिए मेरी बटरफ्री वापस। चलो अरे यार एक और बैटल, चलो इसको हरा दिया, और अब हम ले सकते हैं अपनी बटरफ्री से। चलो मेरे को वापस से ट्रेड करनी है, तो चलो रेटिकेट को हम ट्रेड कर सकते हैं जेल्टन मैन को। और अब आ गई हमारी बटरफ्री हमारी टीम में वापस, और इसने कुछ बटरफ्री को मूव गंदे सिखा दिए होंगे मेरे हिसाब से तो, बट कोई नहीं, मेरे हिसाब से इसने पाउडर सिखाए होंगे क्योंकि इसका फेवरेट मूव है। चलो मैंने सबको हरा हरा कर अंदर आ गया जहाँ से आपको आना था, तो अब हम देखते हैं इससे बैटल करके। और ड्राउज इस्तेमाल करना, ड्राउज के लिए तो हमारा पिकाचू काफ़ी नहीं होगा, कोई नहीं एक अटैक करते हैं फिर देखते हैं दूसरा पोकेमॉन स्विच को रोक करने की जरूरत है कि नहीं। ड्राउजी को देख लेता हूँ हरा देगा या नहीं, पॉइजन हो चुका है मेरे को पता नहीं, ड्राउजी को तो हरा ही देगा ये क्योंकि पिकाचू उससे भी स्ट्रांग है। 23 लेवल का मैंने कर दिया पिकाचू को बैटल करा कर, और अरे पॉइजन है मेरा पिकाचू। चलो हमने ड्राउजी को हरा दिया, अब देखते हैं नेक्स्ट इसका पोकेमॉन कौन सा है। गोल बैट के लिए पिकाचू सुपर इफेक्टिव है, बट एक HP का बचा है, एक अटैक में ख़त्म हो जाएगा। अरे यार वो एक अटैक में नहीं हुआ क्योंकि वो सेकंड स्टेज पोकेमॉन है, फर्स्ट स्टेज होता तो हो जाता। अब हम ट्राई करते हैं जल्दी से स्क्वाडल को, या हाँ स्क्वाडल को ट्राई करते हैं क्योंकि मेरे आते आते तीन पोकेमॉन प्रिंट हो चुके हैं। इस पर हम बबल बीम ट्राई करते हैं, और जैसा मैंने सोचा था कुछ हो नहीं रहा ज़्यादा, तो पर बाइट इस्तेमाल कर रहे तो कोई नहीं, एक और बबल बीम से ख़त्म खेल। और स्क्वाडल हो चुका 21 लेवल, और ये 22 भी हो गया, और प्रोटेक्ट सीख रहा है बट प्रोटेक्ट हमें नहीं सिखाना। और दोस्तों चलो मैंने इसको टीम रॉकेट के लास्ट मेंबर को हरा दिया, और मेरा स्क्वाडल इवॉल्व हो रहा है बट नहीं करना अभी हमें, तो चलो कैप्टन से बात करते हैं, कैप्टन पता नहीं क्या कह रहे हैं। चलो अब शिप चली गई, चलो दोस्तों सिर्फ शिप चली गई और हमें कोई इमेजिनेशन नहीं, मतलब मैं क्या पता नहीं क्या बोलते हैं वो नहीं दिखाया गया, तो चलो आगे की तरफ चलते हैं अभी के लिए तो। चलो चलो चलो, और यहाँ पर मेरे को बटरफ्री को गुड बाय कहना पड़ेगा जो ऐश ने भी करा था, मेरे को पता है यहीं पे करा था, हाँ ये रही जगह। और देख लेता हूँ कौन हमें कराएगा ये बटरफ्री को गुड बाय। सबसे पहले तो अपनी बटरफ्री को आगे कर लेते हैं, और मैंने अपने पोकेमॉन हील भी नहीं करा, ये गंदी बात हो गई, कुछ भी चलता है हो तो जाएगी वही। और इस बंदे से बात करता हूँ, ये क्या कह रहा है, इससे हमें ग्रेट बॉल दे दी है पता नहीं किस लिए। और अब मेरे को पता है इससे हमें बात करनी है इस लड़की से, और ये शायद हमें चलो हमारे बटरफ्री को कर देगी रिलीज, जल्दी से करते हैं रिलीज़ अपने बटरफ्री को। और दोस्तों मेरे हिसाब से बटरफ्री अब चली गई है, हाँ दोस्तों बटरफ्री अब चली गई है। और आज के लिए बस इतना ही, मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, एंड लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना, कमेंट कर देना अच्छा लगा है तो, और चैनल पे ना हो तो सब्सक्राइब ब्रो।